इट्स ग्रेट मूवी एक्चुअली. कैसी लगी? बहुत बहुत बेस्ट कहानी थी एक्चुअली. इट्स रियल बेस्ट कहानी राइट. काफ़ी अच्छी थी इंटरवल के पहले भी और इंटरवल के बाद काफ़ी अच्छी लगी. मोटिवेटेड मूवी थी आई थिंक सो. तो बहुत अच्छा लगा मुझे. और कार्तिक आर्यन का तो ऑब्वियसली फर्स्ट फैन तो हूँ मैं. तो अच्छा था ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. इट मीन्स रियल स्टोरी बेस पे थी तो काफ़ी अच्छा उसमें दिखाया था. सो इट्स नाइस. थैंक यू सो मच. बेस्ट परफॉर्मेंस था यार. स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो उनका परफॉर्मेंस था इट्स ग्रेट एक्चुअली. तो बहुत काफ़ी अच्छी थी जो उन्होंने मतलब दिखाया एग्जैक्टली. उनकी जो मेहनत वगैरह जो दिखाई ना तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे. बेस्ट डायरेक्शन था यार. कबीर खान का तो ऑब्वियसली होता ही है बेस्ट डायरेक्शन. ऑलमोस्ट 5 out of 5. या थैंक यू. बहुत कमाल, बहुत कमाल. जस्ट इनक्रेडिबल. आई डोंट हैव एनी वर्ड. और पता नहीं मतलब ऐसा पहली बार हुआ है जब मूवी ख़त्म होने के बाद भी लोग तालियां बजा रहे, रो रहे हैं. एवरीबॉडी इज सिटिंग बिसाइड मी एंड मैं वो सुन रहा था मतलब रोने की आवाज़. जस्ट इनक्रेडिबल. और कार्तिक आर्यन हार्ट ऑफ आई लव हिम यार. तो कबीर खान तो यार डायरेक्शन तो कबीर खान सर तो बहुत कमाल काम करते. बट कार्तिक आर्यन दिस टाइम और मतलब प्राउड एकदम बहुत कमाल. ये मतलब पता नहीं ये ऐसा है ना कि हमारे देश में बहुत कहानियाँ छुपी हुई है. और ये बहुत ही मतलब कमाल की कहानी मुरलीकांत पेटकर जी की. हमको पता ही नहीं था कि कोई है जो हमारे देश के लिए इतना कुछ किया हुआ है. और आज तो ऐसा बनना चाहिए. और बहुत कमाल का काम किया है. रेटिंग तो 5 out of 5 मतलब जस्ट कमाल. थैंक यू. चंदू चैम्पियन बहुत अच्छी मूवी है और मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो पहले देखने आया हूँ. और काफ़ी अच्छा है. कार्तिक का काम बहुत अच्छा है. बेसिकली पहले जो उनका काम था अब थोड़ा उसमें सुधार आया है. और ट्रू इवेंट है, बायोपिक है मुरलीधर के ऊपर. मैं कभी जानता नहीं था उनके बारे में. फर्स्ट टाइम उनके बारे में जानने को मिला. मूवी काफ़ी अच्छी है. फर्स्ट हाफ बहुत इंगेजिंग है. सेकेंड हाफ थोड़ा स्लो होता है लेकिन बेसिकली होल मूवी अच्छी है. कबीर खान का डायरेक्शन ऑलरेडी हम पहले देख चुके हैं. उनका काफ़ी अच्छा है. 5 out of 5. I actually loved, I just, I love Chandu Champion. It was a very nice movie. Really well made. You won't get bored throughout the movie. Super entertaining. And Kartik Aaryan has had a transformation of a lifetime. So you... Definitely. After Sonu Ki Titu Ki Sweetie, I think this is a must watch of Kartik Aaryan. He's an amazing director. He's never really lacked in direction ever. And this movie throughout the entire journey is very inspiring. So people should watch it. Firstly, for Kartik Aaryan, for his entire transformation. Secondly, for the entire vision and story and how it's portrayed. Screenplay bahut strong hai. So, yeah. I'll give it a 4. Why not? Thank you. चंदू चैंपियन बहुत अच्छी लगी. मेरा भी उसका अंदर हाथ था. कार्तिक आर्यन को मैंने वो जो परेड का सीन था उसके लिए और ट्रेन किया था. भुवन अरोरा और 12 फीचर्स कास्ट थे. तो ओवरऑल मूवी बहुत अच्छी थी. और डेफिनेटली कार्तिक ने बहुत 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 मेहनत की है. आई नो हिम पर्सनली. उस चीज़ का उसने मेहनत किया है. और कबीर सर ने तो डायरेक्ट बहुत अच्छे से किया है. और ओवरऑल मोटिवेशन बहुत अच्छा था. मेरे लिए तो कितने में से आई विल गिव यू 5 out of 5. या म्यूज़िक वॉज ऑल्सो ऑसम. म्यूज़िक बहुत ऑसम था. इट्स मोटिवेटिंग एंड इट विल बी इंस्पायरिंग टू द फ्यूचर जनरेशन ऑफ यंग किड्स. डेफिनेटली कम एंड डू वॉच मूवी. कार्तिक आर्यन ने बहुत बहुत मेहनत की है इस चीज़ के लिए. और इस चीज़ के लिए मतलब बोलना चाहूँगा कि आके देखो. काफ़ी अच्छी बनाई है मूवी. सिनेमा में मतलब कुछ डिफरेंट दिखाया है सिनेमा के लिए. डिफरेंट एंड इंस्पिरेशन मूवी है वही सब है. बट काफ़ी अच्छी है, देखने लायक है. सिनेमा के लिए बहुत अच्छी है. लाइक सिनेमैटिक है. बहुत कुछ अच्छा. बहुत चंदू चैंपियन बहुत ही अच्छी लगी है. काफ़ी टाइम के बाद हमें कुछ इस तरीके का जोनर देखने मिला है. तो देखने मतलब थोड़ा इमोशनल अटैच भी उससे होगा क्योंकि वो रियल बायोपिक है. और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. जो फर्स्ट हाफ उसका गया था बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था. सेकेंड हाफ भी अच्छा है बट थोड़ा सा स्लो है वो. और ऊपर से इतने बेहतरीन एक्टर हैं. राजपाल सर हैं, विजय सर हैं और कार्तिक आर्यन को तो मतलब इन सबकी केमिस्ट्री और बाउंडिंग देखने भी मज़ा आ गया है. बिल्कुल बन गए हैं. बिल्कुल कोई उसमें बात ही नहीं है. वो रियल लाइफ में भी चैंपियन अब बन ही गए हैं. और जिनके उन्होंने बायोपिक किया वो ऑलरेडी चैंपियन हैं. कभी सर की मैंने और भी मूवीज़ देखी हैं बट ये मतलब डायरेक्शन वाइज तो अच्छे हैं. इसमें भी उन्होंने काफ़ी मतलब उतना कुछ अलग नहीं हुआ बट जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ है. मतलब
मस्त है यार, मजा आ गया। 5 out of 5। वेलकम वेलकम। इट वाज रियली नाइस। यस यस ऑफ कोर्स, उन्होंने कैरेक्टर पे बहुत मेहनत की थी तो बहुत बढ़िया उनका किरदार रहा, तो मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद आए। डायरेक्शन बहुत बढ़िया था, जो जो हम थोड़े थोड़े सीन्स जो दिखाए गए, लास्ट स्पेशली लास्ट जो एंड में वो स्विमिंग करता है, जो फाइनल मैच रहता है उसमें जो फ्लैशबैक दिखाया था, आपने देखा होगा कि जो गाड़ी उसके पेरेंट्स छोड़ के जा रहे हैं आर्मी में, उनको 9-9 गोलियां लगी हुई है, तो बहुत सही उन्होंने फ्लैशबैक दिखाया एट द एंड, वो बहुत सही था, बहुत बढ़िया। एंगेज उनको देखनी चाहिए, बट ऐसे कैसा है, मूवी है ना बहुत बड़ी है, बट आप एंड पे पहुंचोगे ना तो आपको वर्थ लगेगा। स्टार्टिंग में बीच में ऐसा होगा कि ये क्या दिखा रहा है, बोर हो रहा है, बट एट द एंड वो देखोगे और अगर मूवी को डीप में जानोगे ना तो बहुत सही मूवी है। सॉन्ग्स एक नंबर बढ़िया थे। आई थिंक 5 out of 5। थैंक यू। बहुत बहुत बढ़िया मूवी है, बहुत मोटिवेशनल इंस्पायरिंग है। अभी ये तो इंडिविजुअल एस्पेक्ट बन जाता है कि किसको देखनी है, जैसे क्योंकि आजकल के लोग ज़्यादातर पर्सनल लाइफ पे इंटरेस्ट रखते नहीं है, दे वांट समथिंग क्रिस्प मसालेदार, तो इट इज़ इंडिविजुअल चॉइस। परफॉर्मेंस वॉज एब्सोल्युटली बेस्ट आई वुड से, बिकॉज ही उनका न्यू कैरेक्टर था, समथिंग बेस्ड ऑन लाइफ, ट्रू लाइफ स्टोरी, अदरवाइज अदर देन दैट उन्होंने तो जो कैरेक्टर प्ले किया है वो टिपिकल मूवी टाइप था, तो उनका डायरेक्शन वॉज वेरी गुड। या नहीं, डायरेक्शन वॉज गुड, एवरी थिंग जो पोर्ट्रेट था, जैसे ईच एंड एवरी थिंग जो उन्होंने रखा है इन एज मुरलीकांत पेटकर लाइफ, सो बहुत बढ़िया था, अच्छा लगा। लोगों का पता नहीं, बट मी पर्सनली आई डिडंट नो अबाउट मुरलीकांत पेटकर, तो सेम हैपेंड विद भाग मिल्का भाग, मुझे मिल्का सिंह जी के बारे में पता नहीं था, तो सेम चीज़ यही हुआ है, और ये अच्छा कहीं ना कहीं अच्छा चीज़ हुआ है कि बिकॉज पीपल शुड नो अबाउट सच, यू नो, पीपल हु डिड समथिंग फॉर आर कंट्री, एंड मतलब इतना हार्डवर्क के बाद, इतना स्ट्रगल के बाद उन्होंने वो चीज़ हासिल किए, तो कहीं ना कहीं इट इज़ पीपल शुड नो। मैं 4 दूंगा। चंदू चैंपियन बहुत अच्छी फिल्म लगी। अच्छी बात यह लगी कि एक बहुत टाइम बाद इतनी नीट और क्लीन फिल्म हमें देखने को मिल रही है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। पूरी फैमिली को देख साथ ले जाकर देखने लायक एक फिल्म लगी। स्टोरी जो है रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, और बहुत अच्छा लगा कि आप कबीर खान को, मैं कहना चाहूँगा बहुत अच्छा लगा कि आपने एक इतने, जिसे हम कहते हैं कि जिसे हम जानते ही नहीं थे, वैसे एक नेशनल भारतीय हीरो को हमारे सामने उसकी एक स्टोरी प्रस्तुत की है, और धन्यवाद देना चाहूँगा मैं उन्हें। और बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे और अनसंग हीरोज़ के ऊपर और फिल्म बनाई जाए। देखिए, शर्म आने वाली बात यह है कि मैं खुद सांगली में पैदा हुआ हूँ और सांगली मेरा ननिहाल है, पर मैं नहीं जानता था कि मुरलीकांत पेटकर जो है वो कहीं ना कहीं हमारे ही डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, और इतने बड़े नाम हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं मैं अगर खुद वहाँ का होकर नहीं जानता हूँ तो मुझे लगता है कि भारत में तो कई अनेक लोग नहीं जानते होंगे, तो यही कहना चाहूँगा कि अच्छा लगा जानकर। कार्तिक को हम ऐसे रोल्स में कमी देखते हैं, इनफैक्ट मुझे लगता है कि जिस जिसने ये फिल्म देखी होगी वो सरप्राइज्ड ही होगा, बिकॉज कार्तिक आर्यन इज़ नो मोर नोन फॉर इज रोमांटिक एंड फनी रोल्स, बट यहाँ पे इट्स क्लियरली एविडेंट कि उन्होंने बहुत मेहनत की है, और न केवल एक्टिंग में बट उनका एक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी जो है, देखिए आसान काम नहीं है किसी भी एक्टर के लिए, वो उन्होंने करके दिखाया है और वो दिखता है कि कितना हार्डवर्क, कितना डेडिकेशन उन्होंने दिया है। हाँ, डेफिनेटली कुछ क्रिटिक्स होंगे जो अभी भी शायद उनके रोल को क्रिटिसाइज़ करेंगे, और जो अपनी जगह पे शायद सही भी होगा, पर आपको ये देखना चाहिए कि आदमी ने पूरी अपनी जी जान लगा के मेहनत की है और पूरा अपना एफर्ट दिया है कि उसको स्क्रीन पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकूँ। बहुत टाइम बाद एक बहुत नीट फिल्म आई है बॉलीवुड में, जहाँ पे आप पूरे फैमिली के साथ जा सकते हैं, और ऐसा कोई भी दृश्य, ऐसा कोई भी ज़बरदस्ती का रोमांटिक एंगल नहीं है,
या ऐसा कोई भी जिसे कहते हैं छिछोरापन नहीं है पूरी फिल्म में कि आप परिवार के साथ भी जाएं तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सके। नीट और क्लीन फिल्म है, रियल स्टोरी पर बेस्ड है, काफ़ी इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल हो सकती है लोगों के लिए, तो ऑडियंस को डेफिनेटली जाना चाहिए इस फिल्म को देखने और पूरे परिवार के साथ जाना। अराउंड 3.5-4 स्टार।